बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे माय लेक्चर इज ऑन इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम। सो फार एज ग्लोबल लीगल सिस्टम इज कंसर्न्ड, इट हैज बीन अनाउंसिएटेड दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड। एट द ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, whether created by practice of sovereign states or by agreement among them in the form of treaties and other accords. So far as the explanation of this word is concerned, so duniya mein kai legal system jo hain wo is waqt kaam kar rahe hain jinki tadad 100 se zyada hai, aur global level par international law ki aajkal bahut zyada ahmiyat hai, खा वो सॉवरन स्टेट का पैदा करना हो या वो स्टेट्स के दरमियान मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स और अकॉर्ड्स के जरिए सामने आता हो। तो आजकल इंटरनेशनल लॉ की ग्लोबल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। लॉ का जहां तक तल्लुक है तो बुनियादी तौर पर लॉ जो है वो ये ऐसे रूल्स हैं जो एक्सटर्नल बिहेवियर को डील करते हैं और लोग बतौर सोसाइटी उन पर अमल करने के पाबंद होते हैं। चला से आज तक जितनी भी बनी नौ इंसान पैदा हुए हैं उन्होंने अपने आप को ग्रुप्स की शक्ल में एसोसिएट किया हुआ है और उन्होंने अपने ऊपर कुछ रूल्स जो हैं वो इम्पोज किए हुए हैं कि हमने किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारना है। अब इनमें जो चीजें ज्यादा अहम हैं उनमें ऑर्गेनाइज सोसाइटीज हैं, और एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी वो है जो सर्टन रूल्स और लॉज के ताबे होती है और अपने कोर्स ऑफ कंडक्ट में उन रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई करती है। जहां तक सिविक सोसाइटी का ताल्लुक है तो जैसे जैसे ये मॉडर्न स्टेट्स डेवलप होती गई तो उसी तरह से लोगों में ज्यादा सिविलाइजेशन आती गई और उन्होंने अपने आप को कुछ रूल्स और रेगुलेशन के ताबे करना शुरू कर दिया। हकीकत में किसी भी मुआशरे को चलाने के लिए या मुआशरे के दरमियान अफराद के ताल्लुकात को रेगुलेट करने के लिए इंतहाई जरूरी है कि वहां पर एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग अपने आप को उस फ्रेम के जरिए फ्री सोसाइटी के तौर पर अपनी जिंदगी बसर कर सके और ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रोसेस कर सकें, उस फ्रेमवर्क में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकें। और इस मकसद के लिए लॉ की इंटरप्रिटेशन बड़ी जरूरी है और लॉ की इन्फोर्समेंट इंतहाई जरूरी है, क्योंकि लॉ जब इन्फोर्स या इंटरप्रेट होता है तो उसके जरिए लोगों के राइट्स अक्रू होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी खुलकर सामने आ जाती है। जहां तक लॉ की डेफिनेशन का ताल्लुक है तो हिंदुइज्म में इसको धर्मा कहते हैं, फ्रेंच में इसको ड्राइड कहते हैं, रूम में इसको जुर कहते हैं और मुस्लिम ने इसका नाम हुकमा रखा है। जहां तक वर्ड लॉ की डेरिवेशन का ताल्लुक है तो याद रखिए टर्म जो लॉ है वो जर्मन वर्ड लैग से डिराइव की गई है और इसका मतलब है जी फिक्स आर इवेंटली, यानी एक चीज का किसी जगह पर मुय्यन होना या वाक्या होना, वकू पजीर होने का नाम ला है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ला की जो मीनिंग बयान किए गए हैं उसके मुताबिक है जी कि किसी भी कम्युनिटी को कोई कस्टम या प्रैक्टिस का नाम ला है, ये रूल ऑफ कंडक्ट है या रूल ऑफ एक्शन है जो रिकग्नाइज्ड और कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जरिए लोगों को बाइंड करती है। इसी तरह से लॉ की मुख्तलिफ डेफिनेशन पेश की गई हैं। इसमें जो हिस्टोरिकल डेफिनेशन है उसमें सॉलमन ने लॉ के बारे में यह कहा है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में वो प्रिंसिपल्स और वो रूल्स
जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, तस्लीम शुदा हैं, रियासत की तरफ से जब अप्लाई किए जाते हैं दे आर कॉल्ड लॉज। हॉलैंड ने इसके बारे में ये कहा है, जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। जनरल ह्यूमन एक्शन, बनी नौ इंसान के आम जो अमाल हैं या जो एक्शन हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं और उनको सॉवरेन जो मुक्तदर अल्लाह है वो रियासत पर नफज करती है, तो वो ला की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। प्रोफेसर ग्रीन ने जहां तक लॉ की डेफिनेशन की है, लॉ इज द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच द स्टेट इंजॉयज। लॉ का मतलब है जी सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो रियासत लोगों के हकूक अदा करती है और उसके बदले में लोगों पर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं, दे आर कॉल्ड लॉज। उसके बाद विल्सन ने इसकी जो लॉ की डेफिनेशन की है उसके मुताबिक, लॉ इज द पोर्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड थॉट्स एंड हैबिट विच हैज गेन्ड डिस्टिंक्ट एंड फॉर्मल रिकग्निशन इन द शेप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स बैक्ड बाय अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। वो ये कहते हैं जी कि ये कुछ एस्टैब्लिश्ड थॉट और हैबिट्स हैं जिनको हमने मुख्तलिफ तरीकों से हासिल कर लिया है और ये यूनिफॉर्म शेप में है और इनको किसी अथॉरिटी की ताकत हासिल होती है और गवर्नमेंट की पावर हासिल होती है, तो वो लॉ की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। ऑस्टन ने जहां तक कहा है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, इट इंपोजेज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय सैंक्शन। उसने ये कहा जी कि लॉ जो है ये किसी सॉवरन के कमांड का नाम है, मुक्तदर आला के हुक्म का नाम है और ये कोई ड्यूटीज इंपोज करता है और इसके जरिए एक सैंक्शन है, एक ताकत है जो इसकी बैक पर मौजूद होती है। जहां तक लीगल सिस्टम की डेफिनेशन का ताल्लुक है, तो लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। कानून को इंटरप्रेट करना और उसको इन्फोर्समेंट करने का नाम लीगल सिस्टम है। इन्फोर्समेंट का मतलब है नाफिज करना और इंटरप्रेट का मतलब है तशरीह करना। इसका मतलब यह हुआ कि कानून की तशरीह करना और उसको नाफिज करने का नाम लीगल सिस्टम है और यह एक प्रोसीजर है और एक प्रोसेस है जिसमें हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और इसमें हम लोगों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ी उम्दगी से एलैबोरेट करते हैं। और जितने भी बड़े लीगल सिस्टम हैं दुनिया के, उनमें सिविल लॉ, कॉमन लॉ और रिलीजियस लॉ इसमें शामिल है। जहां तक लॉ की रिक्वायरमेंट का ताल्लुक है, तो लॉ के लिए चार चीजों का होना बेहद जरूरी है। नंबर वन, बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट, कि लॉ की तश्कील होने से पहले रियासत की तश्कील जरूरी है। बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी अ सोसाइटी, और स्टेट की तश्कील से पहले मुआशरा की तश्कील जरूरी है। और तीसरा है जी कि स्टेट एंड सोसाइटी डेवलप ए लीगल ऑर्डर टू बी फॉलोड, और फिर रियासत और मुआशरा मिलकर एक लीगल ऑर्डर तरतीब देते हैं जिनको फॉलो करना होता है। और फाइनली लॉ ऑलवेज हैज ए पर्पस, और लॉ जो है वो हमेशा पर्पजफुल होना चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए। कोई ऐसा लॉ अनेक्ट नहीं किया जाता जिसके कुछ मकासद ना हो। देयर आर सिक्स मेजर लीगल सिस्टम्स इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दुनिया में छह बड़े लीगल सिस्टम हैं जी, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और पहले नंबर पर है सिविल लॉ। सिविल लॉ जो है जी, ये रोमन एम्पायर से डिराइव किया गया है और ये कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सिविल लॉ आमतौर पर रिलीजियस लॉ से भी इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें कैनन और इस्लामिक लॉ शामिल है। दूसरा है जी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ जो है जी, ये जजेस के फैसलों से डिराइव किया गया है और ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ, और इसके जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं कॉमन लॉ के, उसमें मैग्ना कार्टा इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉमन लॉ, जिस जो पाबंदी आयद करता है पावर ऑफ इंग्लिश किंग के ऊपर। और इसने इसी तरह से बिल ऑफ राइट्स और डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी में बिल ऑफ राइट्स का बहुत ज्यादा
दखल मौजूद है, तो ये इसके अनेक्टेड लॉज है। जहां तक रिलीजियस लॉ का तल्लक है, तो रिलीजियस सिस्टम में लीगल सोर्स के तौर पर जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, मेन लॉज जो है जी शरिया इन इस्लाम है, हुकामा इन जुदिज्म है, और कैनन लॉ क्रिश्चियनिटी में है। इस्लामिक लीगल सिस्टम ऑफ शरिया एंड फिका ये बहुत ही पॉपुलर है, वाइडली स्प्रेड है पूरी दुनिया में, और इस्लामिक लीगल लॉ जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास, इज्तिहाद और उर्फ की बुनियाद पर ये जो है वो अनेक्ट हुआ है। शरिया लॉ जो है जी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज को गवर्न करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान है। हालांकि मोस्ट शरिया लॉ जो है ये सप्लीमेंटल ऑफ नेशनल लॉ है। ये बड़ी एक बदकिस्मती है कि जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ पूरी तरह प्रवेल नहीं कर रहा, इसके साथ हमने बतौर सप्लीमेंट्री लॉ एक अपना बनाया हुआ कानून जिसे हम कहते हैं, वो भी पैरेलल साथ चल रहा है। इसमें जी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और पब्लिक लॉ को भी इस्लामिक लॉ के जरिए डिस्कस किया जाता है। जहां तक हल्का लॉ का ताल्लुक है, तो इसमें जी ज्यूइश जो हैं, रिजिड करैक्टर के मालिक जो हैं, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है पार्लियामेंट्री एक्ट्स के जरिए, जिसमें जुडिशियल डिसीजन भी शामिल हैं। ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स ज्यूस ने बनाया था, और ये एक्सेल्सियल और सिविल रिलेशन के बारे में था। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जी जहां पर जो हल्का लॉज हैं वो सही तरह से चल रहे हो। दीज आर डिस्प्यूटेड, और ये वहां पर जो मौजूद पार्टीज हैं लीगली बाइंडिंग है कि वो इन पर अमल दरामद करें। जहां तक क्रिश्चियन कैनन लॉ का तल्लक है, तो ये सिविल लॉ से मिलता जुलता है जी, और ये रोमन कैथोलिक के इंटरनल मामलात को ऑर्डर करता है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और एंग्लिकन चर्चेज के बारे में भी इसमें मालूमात मिलती हैं। कैनन लॉ जो है ये अमेंडेड है, तब्दील शुदा है, और अडेप्टेड थ्रू दी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द चर्च, और इसको चर्च की जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कानून साधारा है वो इसमें तब्दीलियां करता रहता है। जहां तक कस्टमरी लॉ का तलक है, ये तस्लीम शुदा है, लेकिन ये वीक सोर्स ऑफ लॉ के तौर पर जाना जाता है, और ये स्टैट्यूट के मुकाबले में और रेगुलेशन के बारे में एक इंफीरियर लॉ है, और ये वहां पर एग्जिस्ट करता है जहां पर इसकी प्रैक्टिस ऑब्जर्व की जाती है। और इसके मुकाबले में कस्टमरी लॉ जो है जी, और मजीद कस्टमरी लॉ में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये प्रवेल कर रहा है आजकल, और इंग्लैंड और अमेरिका के मुकाबले में कंपैरेटिवली ये जो मुल्क मैंने बताए हैं उनमें ये प्रवेल कर रहा है। और इनकी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस मौजूद हैं, और इनका अपना एक हल्का असर मुख्तलिफ कवानीन में मौजूद है। उसके बाद ये सोशलिस्ट और सोवियत लीगल सिस्टम, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम की जो रूट्स हैं ये सिविल लॉ से इन्होंने ड्रॉ की है। सिविल लॉ को जब हम लीनियस्ट आइडियोलॉजी के साथ मार्क्स की जो थ्योरी थी उसके साथ मिला के पढ़ते हैं, तो वो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सामने आती है। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम जो है जी, इसकी सबसे बड़ी जो नोशन है वो है ओनरशिप। ये प्राइवेट ओनरशिप पर एतबार नहीं करते। सोशलिस्ट या जो है ये रशिया में रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद अनेक्ट हुआ, और कम्युनिस्ट पावर्स ने इनको अनेक्स किया। ये पूरे सोवियत यूनियन में फैल गया, और 1920 तक इसने वहां पर अपनी असर पजीरी दिखाई है। जो सोवियत डोमिनेंट गवर्नमेंट्स थी
ईस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में, उनमें सोशलिस्ट रूल ने अपने पंजे गाड़े वर्ल्ड वार टू के बाद। और आजकल ये सिस्टम जो है चाइना, वियतनाम और क्यूबा वगैरह के कंट्रीज में इसको प्रवेल कर रहा है और इसको हम सोशलिज्म कहते हैं। एक और लॉ है जिसको हम लीगल प्लूरलिज्म का नाम देते हैं। लीगल प्लूरलिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लीगल सिस्टम्स विद इन वन जियोग्राफिक एरिया। कोई भी जियोग्राफिक इलाका है उसमें बहुत से लीगल सिस्टम मिलकर अगर हम सिस्टम बना लेते हैं तो डेट इज कॉल्ड लीगल प्लूरलिज्म। लीगल प्लूरलिज्म सिस्टम आर पर्टिकुलरली कॉमन इन फार्मर कॉलोनीज वेयर द लॉ ऑफ ए फार्मर कॉलोनी अथॉरिटी मे एग्जिस्ट अलॉन्ग साइड मोर ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम्स। वेयर दीज सिस्टम डेवलप द आइडिया वॉज डेट सर्टन इशूज डेट इज कमर्शियल ट्रांजेक्शन वुड बी कवर्ड बाई कॉमन लॉ वाइल अदर इशूज फैमिली एंड मैरिज वुड बी कवर्ड बाई ट्रेडिशनल लॉ। जैसे इंडिया और तंजानिया की मिसाल मैं आपको दे सकता हूं, ये ऐसे मुल्क हैं जहां पर लीगल प्लूरलिज्म जो है वो प्रवेल कर रहा है। इसमें होता ये है जी सिस्टम में कि जो आइडिया आगे आता है उसमें मिसाल के तौर पर कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए ये कॉमन लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे इंडिया में है, और जो इनके फैमिली और मैरिज के इश्यूज हैं वहां पर ये अपना लोकल लॉ जिसे हम ट्रेडिशनल लॉ कहते हैं उसका यूज कर लेते हैं। इसीलिए इसका नाम लीगल प्लूरलिज्म रखा गया है। और लीगल प्लूरलिज्म के नाम से ही ज्यादा है कि आपने दो तीन चार लॉज जो हैं उनको अमलगामेट किया, उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और फिर उसमें से लोकल लेवल पर कुछ लॉ अप्लाई कर लिए और कुछ इंटरनेशनली लॉज अप्लाई कर लिए। तो जैसे मैंने इंडिया और तंजानिया की मिसाल दी है। सेकुलर कोर्ट्स जो है डील विद द इशू ऑफ अदर कम्युनिटीज हाउएवर ईच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड वेरिएशन ऑन ईच सिस्टम आर इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अदर लीगल सिस्टम इनटू देयर ऑन लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल जियोग्राफिकल। असल में कोई भी लॉ जो है जब वो लीगल प्लूरलिज्म में आता है तो प्लूरलिज्म के लिए ये जरूरी है कि वहां की जियोग्राफी को देखना होता है, वहां की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको देखना है, रिलीजियस जो वहां पर रहने वाले हैं उसको देखने हैं, सोशल सेक्टर को देखना है और आपने कल्चरल लोगों की जो कल्चरल और इकोनॉमिक नीड है उनको भी मद्देनजर रखना होता है जब आप लीगल प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो वहां पर मुआशरे को बतौर मुआशरा और बतौर छोटे छोटे फैक्टर्स सेक्टर्स भी आपने देखना है। इसीलिए इंडिया जैसे मुल्क में इंटरनेशनल लॉ भी प्रिवेल कर रहा है और उनके अपनी रियासतें जो हैं वहां पर उनके लोकल लॉज जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनके जरिए उनकी शादियां और फैमिली मैटर्स अदालतों में सॉल्व किए जा रहे हैं। हर लीगल सिस्टम जो है जी उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो नए लॉज की एस्टेब्लिशमेंट का बायस बनते हैं और ओल्ड लॉ को वो डिसअपीयर करते हैं और जो डायर नीड्स ऑफ सोसाइटी हैं उसको पूरा करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है उसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल सिस्टम एंड एन्यूमरेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन में मुख्तलिफ लीगल सिस्टम्स पर रोशनी डालनी है, उसके बाद आपने चंद मशहूर जैसे मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन है, जैसे सालमंड हॉलैंड ग्रीन विल्सन ऑस्टन की डेफिनेशन है वो आप इसमें जरूर कोट करेंगे, और लॉ की जो रिक्वायरमेंट है कानून बनाने के लिए किन किन चीजों की अशद जरूरत है उनमें चार पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूं कि बिफोर द लॉ देयर इज अ स्टेट, कानून से पहले रियासत और रियासत से पहले सोसाइटी, और फिर
रियासत और सोसाइटी मिलकर लीगल ऑर्डर तरतीब देते हैं जिसको फॉलो करना होता है। और फाइनली लॉ शुड बी पर्पसफुल, जो भी लॉ आप इनेक्ट करते हैं, जो भी कानून आप बना रहे हैं, उसका कोई मकसद होना चाहिए। कभी भी बेमकसद लॉ जो है वो नहीं बनने चाहिए। और इसके बाद आपने जी मेजर लीगल सिस्टम को डिस्कस करना है, जो मैं रिपीट कर देता हूं कि देर आर सिक्स काइंड ऑफ मेजर लीगल सिस्टम्स विच आर प्रवेलिंग इन द वर्ल्ड टूडे। दोज आर सिविल लॉ, कॉमन लॉ, रिलीजियस लॉ है, जैविश हलाकहा लॉ है, और क्रिश्चियन कैनन लॉ है। ईसाइयों का तोप का कानून बहुत मशहूर है, ये सिविल लॉ से मिलता जुलता है, और रोमन कैथोलिक के इंटरनल मामलात को ऑर्डर करता है। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और एंजलिकन चर्चेस के बारे में भी उनके जो मामलात हैं उनको तरतीब देता है। और कैनन लॉ अमेंडेड है, बदकिस्मती ये है कि जो लॉ सही शक्ल में थे स्वाय इस्लाम के, तमाम कवानीन को अमेंड कर दिया गया है, और अपने मुआशरे, अपनी नीड्स और अपने कल्चर और अपने जो रिलीजियस थॉट्स हैं उनके मुताबिक उनमें तरामीम कर दी गई हैं। इसलिए ये जो क्रिश्चियन लॉ है, हो सकता है कि ये आपको असल शक्ल में दस्तयाब ना। और इसके अलावा जी ये जो कैनन लॉ है, ये चर्च की जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसको भी रेगुलेट करता है, और जो लेजिस्लेशन चर्च के बारे में की जाती है, आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में दो फिरके बड़े अहम हैं, एक हैं प्रोटेस्टेंट और दूसरे हैं रोमन कैथोलिक। तो कैनन लॉ जो है इन दोनों को रेगुलेट करता है, और इसमें जो ईस्टर्न थॉट्स हैं उनको इंटरप्रेट करता है। जहां तक कस्टमरी लॉ का तल्लक है, यह वीक सोर्स ऑफ लॉ है, और इसमें स्टैट्यूट के ऊपर इनफीरियरिटी है, स्टैट्यूट इससे सुपीरियर हैं। और उसके बाद ये वहां पर एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कोई दीगर कवानीन प्रैक्टिस के लिए मौजूद नहीं होते। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, वहां पर ये प्रवेल कर रहे हैं, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन इनकी मौजूद है। तो एट द एंड आई विल कंक्लूड दैट लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टेट एंड डेवलपिंग द ह्यूमन बीइंग्स। कोई भी रियासत कानून के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती, और बनी नौ इंसान की अगर तरक्की का जो अमर मुजमिर है वो कानून और आईन में है। कोई भी रियासत अगर आईन और कानून की पासदारी नहीं करती तो उसमें अनार्की की सिचुएशन पैदा हो जाती है, और अदारे एक दूसरे से मुतसादम होते हैं, जिसके नतीजे में रियासत कमजोर होती चली जाती है, और बिलाकर रियासत की कमजोरी का डायरेक्ट असर उसके मुआशरे पर पड़ता है। सोसाइटी में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो जाते हैं, और मुल्क जो है वो दिन ब दिन कमजोरी की तरफ गामजन होता चला जाता है। इसके अलावा जी लॉज जो है ये मुल्कों के दरमियान और इंसानों के दरमियान राइट्स और लाइबिलिटी को तकमील करते हैं। कुछ जो चीजें हैं उनके बारे में आपके हकूक पैदा होते हैं, कुछ के बारे में आपकी जिम्मेदारियां पैदा होती हैं। और लॉ एंड पर असेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट है, नो स्टेट कैन रन विदाउट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद लॉ इज ए सोशल कंट्रोल एलिमेंट। इसमें सोशल कंट्रोल एलिमेंट इस तरह से है कि मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं, जिनके जरिए वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, और उस बाइंडिंग फोर्स के जरिए रियासतें जो हैं वो एक दूसरे की अमलदारी में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन जहां तक लॉ की इनेक्टमेंट का ताल्लुक है या इंटरप्रिटेशन का ताल्लुक है, तो इसमें किसी भी इलाके का कल्चर, उसकी रिलीजियस थाट, उसके जो सोशल नीड्स हैं, जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, या जो सोशल सेटअप है, वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप बाद में मुझसे
स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।